नमस्कार सभी को। ये वीडियो सेशन इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि सिंह चौधरी और मेरे संस्थान का नाम है संपूर्ण कृषि उत्थान फाउंडेशन। हम झारखंड में यहाँ पे ट्राइबल नॉन ट्राइबल फार्मर्स के साथ खेती कर रहे हैं और उनके साथ जितना भी हो सके जैविक खेती को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आप लोग सभी को भी पता होगा कि ये एक कुछ 7-8 सालों से बहुत अच्छा ट्रेंड चला थ्रू आउट वर्ल्ड कि हमें पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग करनी है, हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना है। उसके हमने हेल्थ हैजार्ड्स को भी पहचाने कि कितने इश्यूज हैं। तो लेकिन हुआ क्या कि इस दौरान बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी आए ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके और नेचुरल फार्मिंग को भी लेके, और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि कैसे खेती करें। बट एक जो एविडेंस, जो एक इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है कि साइंटिफिक अप्रोच उसे बोलते हैं जब तक अनुमान, प्रत्यक्ष और प्रमाण ये तीनों एक साथ नहीं मिलता, तब तक हम उसे एक साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग मेथोडोलॉजी नहीं मानते हैं। तो ये जो सीरीज है नेचुरल फार्मिंग, इसके सारे रेफरेंसेस हम एंशियंट टेक्स्ट से उठाकर ला रहे हैं, तो वो एक एविडेंस भी है और हमारा जो एक्सपीरियंस है 3 साल का जैविक खेती को लेकर झारखंड में, जो भी हमने समझा, किसानों को समझा, खेती को समझा, वो एक्सपीरियंस को भी इस सीरीज में हम साझा करेंगे। तो एक सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि फ्लॉ क्या आ रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है। कोई भी गलत नहीं बता रहा कि जैविक खेती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, लेकिन गलती ये हो रही है कि भारत ज्योग्राफिकली एक नेशन जैसा नहीं से ज्यादा एक कॉन्टिनेंट जैसा है। मतलब ये जो राज्य है इसकी मिट्टी अलग है, बहुत सारे राज्य में जलवायु में अंतर आ जाता है, तापमान में अंतर आ जाता है, लोगों के कल्चर संस्कृति में व्यवहार में अंतर आ जाता है, किसानी करने के तरीके में अंतर आ जाता है। तो अगर कोई महाराष्ट्र का तरीका बता रहा है कि वहां पर खेत में कैसे अपनाया जा रहा है खेती को या कौन सी विधि है, तो वो अगर हम झारखंड, बिहार, यूपी में हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। तो एक बात तो ये हुई कि हमें खेती प्रकृति और जो लोकल कंडीशंस है उसके आधार पर खेती की समझ होनी चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल है। दूसरा, बहुत लोग केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट किए, फिर फेल हुए, फिर वापस केमिकल की ओर आ गए। तो यहां पे क्या गलती हुई कि पहले जब फीवर हो रहा था तो पैरासिटामोल खा रहे थे कि बीमार हुए हैं, और अब बोला जा रहा है कि टाइम पे सोइए, सूर्य नमस्कार करिए, जॉगिंग करिए, अपने भोजन में परिवर्तन लाइए, अपने लाइफस्टाइल के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करिए। तो आसान कौन सा है, पैरासिटामोल लेना। तो वही चीज कुछ कुछ केमिकल फार्मिंग और नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सिमिलरिटी आ रही है। नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर है जो बहुत अलग है। जैसे कि पेस्ट अटैक, कीड़ों का अटैक अगर फसल में होता है तो केमिकल फार्मिंग में कीड़ों के अटैक के बाद हम उपाय करते हैं, जैसे एलोपैथी होता है। लेकिन आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है कि बीमारी को कैसे रोका जाए, तो उसी तरह जैविक खेती में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि आप कीट के प्रकोप के पहले अपने खेत में क्या कर रहे हैं, उससे आपके खेत में जो है उसका असर दिखेगा। तो एक थॉट प्रोसेस में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज है, जिसकी वजह से भी खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती में फेलियर आता है। मतलब कोई कीड़े का अटैक हुआ तो अब हम सोच रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड के बदले बायोपेस्टिसाइड क्या है, यूरिया के बदले एग्जैक्टली हम क्या डालें। तो सोचने के तरीके में भी अंतर है। और दूसरा, लोकल कंडीशंस को जानना और समझना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके खेती सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। और खेती में इतना सारा वेरिएबल्स है कि अगर आप कुछ सजेस्ट भी करते हो किसी को और अगर वो फेल कर जाता है वो चीज, तो लोग किस पे डाउट करते हैं, वो मेथड पे जो उसने नया ट्राई किया। तो इसलिए कभी भी हीट एंड ट्रायल भी कभी भी पूरे खेत में नहीं करना चाहिए, हमेशा थोड़े से जगह से स्टार्ट करके चीजों को समझ के फिर उसको स्केलेबल, उसको स्केल अप करना चाहिए, ठीक है। तो इस जर्नी में हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल से लेके ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले तक कि भारत में कैसी परंपरा रही कृषि की और कितनी रिच थी उसे भी हम जानेंगे, और कहां पे गलती हुई कि हमने
उन सब चीजों को बहुत नकारा, और अब समय है कि उन चीजों के हम वापस जाएं, ताकि बाजार से जो भी वस्तुएं किसान खरीद रहा है उसमें वो कमी करे, अपने लागत को वो कम करे। तो शुरुआत करते हैं। तो ये पहला पिक्चर है आपका, इसी साल मैंने विजिट किया नालंदा। आप पीछे देख सकते हैं कि जो महान नालंदा विश्वविद्यालय का जो अवशेष है, जहां पर बौद्ध स्तूप भी हुआ करते थे, और बोला जाता है कि यहाँ पर लगभग 90 लाख से ज्यादा कलेक्शंस, आर्टिकल्स, बुक्स अगर हम कंप्लीट मिला दे तो 90 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर को अगर मिला दे तो। और सिर्फ इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया के बहुत सारे कंट्री से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। तो कहानी से शुरुआत करते हैं सेशन की। कहानी है बख्तियार खिलजी की। सन 1193 में उन्होंने इस विश्वविद्यालय को जलाया, और कहा जाता है कि 3 महीने तक ये किताबें जलती रहीं। यहाँ पे एक नाम आप देख रहे होंगे, राहुल श्री भद्र, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। तो उनकी क्या स्टोरी है कि एक्चुअली बख्तियार खिलजी बीमार हुए, ठीक है, और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी बीमारी जब नहीं गई तो उन्होंने सोचा कि अब हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। तो राहुल श्री भद्र को उन्होंने अपने पास बुलाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं दवाई नहीं लूंगा, मुझे तुम ऐसा उपाय बताओ कि कुरान का वह पेज पढ़ूं मैं जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो राहुल ने बहुत ही चालाकी से क्या किया, जो भी आयुर्वेद का या औषधि का जो लेप है उस पेज पे उसने लगा दिया कुरान के, और उसको पढ़ते गए बख्तियार खिलजी, और स्वतः कुछ दिनों बाद ठीक भी हो गया। तो उस समय की जो प्रवृत्ति थी पूरे दुनिया में, एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पर आक्रमण करता था, एक सभ्यता हमेशा कूच करने में ही लगी रहती थी, ठीक है, वर्चस्व की हमेशा लड़ाई रहती रहती थी कि किसका साम्राज्य होगा, किसका शासन काल होगा। तो जब बख्तियार खिलजी भारत आया तो उसे लगा कि ये आयुर्वेद बहुत स्ट्रांग है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो अगर मैं इस विश्वविद्यालय को नष्ट करता हूं तो फिर मैं यहाँ के लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता हूं। और उन्होंने आदेश दिया और 3 महीने तक ये किताबें जलती रही। तो ये पहला टर्निंग पॉइंट है थ्रू आउट हिस्ट्री में, जब इतने सारे बुक्स का भारत को लॉस हुआ, नुकसान हुआ। अब यहां से जो है क्राइसिस स्टार्ट होता है, नॉलेज क्राइसिस का और आइडेंटिटी क्राइसिस का। अब आगे आते हैं कि ये जो 2300 साल है लगभग, उसमें सिर्फ 56 अकाल, फेमिन्स का, ड्रॉट्स का रिपोर्ट है पूरे 2300 साल में, 5th सेंचुरी BC से लेके मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 18वीं शताब्दी तक जो है सिर्फ 56 रिपोर्ट है फेमिन के। मतलब आप देखिए एवरेज जो है कितना कम फेमिन है। अगर हम 2000 साल के रेस्पेक्ट में हम देखें तो ये बहुत कम अकाल है। इससे हमें ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर एंशियंट इंडिया में कितना फ्लोरिसिंग था, कितना वर्किंग था। मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो अंधाधुंध तीर चला रहे हैं, कि गैस मार रहे हैं खेती में, बहुत प्रिमिटिव है, प्रार्थना सिर्फ कर रहे हैं इंद्रदेव से कि बारिश करो और खेती हो जाए, नहीं। तो शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। ऋग्वेदा में जो श्लोक है, सुई वसाद भगवती ही भूया अथो वयम भगवतः श्याम। अब इसका जो अर्थ है, इसमें जौ फसल का बहुत सुंदर रूप से प्रयोग किया गया है, और बताया गया है कि जो गाय है, गौ है, वो अधिक दुग्ध रूपी धन से संपन्न होगी जब वो जौ के तिनके को खाती है, स्वच्छंदता से घूमती और साफ पानी पीती है। अब इसको करंट रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अभी की जो गाय है वो डेयरी फार्म में है, ठीक है, कृषि का हिस्सा वो नहीं है। तो सबसे पहले बात ये गांठ बांध ले कि जैविक खेती करनी है या प्राकृतिक खेती करनी है, बिना गाय के ये खेती पॉसिबल ही, बिना गाय के
ये जैविक खेती या प्राकृतिक खेती पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी की जो गाय है या भैंस है ये कहाँ है, डेयरी फार्म में, और वो क्या खा रही है, चारा खा रही है, कुट्टी खा रही है। अब जैसे नीम की खली है, करंज की खली हुई, या और भी जो भी उन्हें भोजन के रूप में खिलाया जा रहा है, खली क्या होता है, नीम की खली या सरसों की खली, महुआ की खली क्या होती है कि नीम से जब हम तेल को निकालते हैं, महुआ से हम तेल को निकालते हैं, करंज से हम तेल को जब निकालते हैं, सरसों से जब हम तेल को निकालते हैं, तो जो बाय प्रोडक्ट, जो बचा हुआ चीज बचता है, और वो जब ड्राई होता है वो क्या होता है, खली होता है। अब इसे ही गाय को हम खिला रहे हैं। तो जो नए उपकरण है उसमें क्या है कि जो पहले के उपकरण थे उसमें जब हम तेल को निकालते थे तो 8 से 10% तेल जो है वो पौधे में ही रह जाते थे, मतलब उसमें गुण बचे रह जाते थे। तो जब गाय उस खली को खा रही है तो उसमें उसे कुछ फायदा हो रहा है। अभी की जो खली या कुट्टी है, एक तो वो ताजा नहीं है, पुरानी भी है, और उसमें से कंप्लीटली ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, पूर्ण रूप से तेल को निकाल लिया गया, तो जो भी गुणकारी तत्व थे उसमें अब वो रहे नहीं। तो इस श्लोक में आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कि जौ का चारा वो खा रही है, स्वच्छंद घूम रही है और साफ पानी पी रही है। तो इसका मतलब है कि ग्रीन फॉडर, मतलब नेचुरल फार्मिंग में अगर हम बात करें कि ग्रीन, जितना फ्रेश फूड, चाहे वो इंसान हो या आपके पशु हो, अगर वो ग्रीन फॉडर खा रही हैं तो उसे रोग भी कम होंगे, उसके जो दूध का गुण है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे फिर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट्स को लाए हैं क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बनाया गया है जो फार्मिंग नहीं भी कर रहे हैं और खेती की बहुत लेट से जीरो लेवल पे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो जो भी बेसिक स्कूल लेवल पे समझ रहे हैं कि मिट्टी की आवश्यकता होती है, फोटोसिंथेसिस है, पानी की आवश्यकता है, धूप में है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसमें स्टोमाटा होता है, रूट ग्रोथ है, ठीक है, तो कुछ चीजें पता है, फूल होता है, पॉलिनेशन होता है, परागण जो बोलते हैं, ठीक है, और अनाज फसल हो गया, सब्जियां हो गई, ये बेसिक्स पता है, बट फार्मिंग होती कैसे है उस पर भी थोड़ा हम देख लें। तो इसमें यहाँ पे 16 न्यूट्रिएंट्स का बात है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम। अब हम बात करेंगे कि ये पौराणिक या एंशियंट टेक्स्ट में जाएंगे तो इनका वर्णन तो नहीं मिलेगा क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत बाद में आया है, लेकिन जो भी मेथड्स का हम बात करेंगे आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा जान के कि ये सारे तत्वों की भरपाई वो मेथड, वो तरीके कर रहे हैं जो भी पौधे को मिट्टी से या हवा से चाहिए। ठीक है, तो जो पहले 6 दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, ये मैक्रो लेवल पे रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। मतलब नाइट्रोजन है जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ, लीफ के ग्रोथ में, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फास्फोरस स्टेम ग्रोथ में, पोटासियम रूट ग्रोथ में, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम थोरोली स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट के लिए बात करें, या बोरोन जो है फ्रूटिंग में, सीड में, फ्लावरिंग में, या फिर कॉपर है, निकेल है, तो ये सारे तत्वों का अपना अपना रोल है। तो उसकी मात्रा ज्यादा और कम हो सकती है, लेकिन जिस तरह सब्जी में नमक की मात्रा होती है, अगर नमक नहीं हो ठीक से तो पूरे सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है, उसी प्रकार बोरोन जैसे है, अगर मात्रा बहुत कम है, मिलीग्राम या ग्राम में भी प्रयोग है, लेकिन उसका उपयोगिता है खेत में, ठीक है, और KG में नाइट्रोजन है तो उसकी भी उपयोगिता है खेत में। तो इस बेसिस पे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम बांटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि केमिकल फार्मिंग जो है करता क्या है। ये जो सॉइल फूड वेब आप देख रहे हैं, यहाँ पे नेमाटोड्स है, अर्थोपोड्स है, बर्ड्स हैं, फंगस हैं, प्लांट है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है। केमिकल फार्मिंग में क्या होता है, ये पूरा जो वेव है ये पूरा टूट जाता है। ठीक है, पूरा वेव जो है ये टूट जाता है और हम फिर अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, उसको ट्रीट करते हैं।
मतलब फंगस अगर बढ़ गया तो फंगल ट्रीटमेंट हम अलग से करते हैं खेत में, नेमाटोड बढ़ गया तो अलग से करते हैं हम ट्रीटमेंट, उसके बाद और भी बीमारियां अगर होती हैं तो हम उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करते हैं और दवाइयां अलग से आती हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इन सब को हम लोग बीमारियों के रूप में जान रहे हैं, नेमाटोड है या फंगस है, लेकिन फूड वेब में प्रकृति में सबको होना निश्चित है, सब एक जगह पे ही पाए जाते हैं। जब इनकी मात्रा इनके निश्चित मात्रा से बढ़ जाती है, प्रकृति में अगर नेमाटोड को जितना रहना है अगर उससे ज्यादा बढ़ गई, तो फिर हम बोलते हैं कि वहां पे एक बहुत अटैक होने वाला है, रूट में जड़ में बीमारी होने वाले। और वो कहां से हो रहा है, अर्थोपोड को हमने मार दिया। फूड वेब में अगर टॉप लेवल पे अगर हमने स्पेसीज कीड़ों को अगर हटा दिया, जो मित्र कीट हैं, मित्र कीड़े हैं, तो होना ही है कि नीचे वाले जो जीवाणु है उनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा होगा कि फिर वो मिट्टी में गुणकारी तत्व लाने के बजाय वो बिगाड़ना चालू करेंगे और बहुत सारी बीमारियां खेत में आती है। तो केमिकल फार्मिंग से हम जो है हेल्थ के रूप में जरूर देखते हैं कि पेस्टिसाइड है तो हमारे हेल्थ को इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर का रीजन है या कैंसर का रीजन है, लेकिन आप देखेंगे कि ये सॉइल के भी हेल्थ को बहुत जो है इफेक्ट करता है। जब हम सॉइल टेस्ट करते हैं, हम आगे अब देख रहे हैं कि दिक्कत क्या हो जाती है कि सॉइल टेस्ट भी जब हम करने चाहते हैं तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट वो रिपोर्ट बताता है जो तत्व पानी में घुले हुए हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, बोरोन की मात्रा, पोटासियम की मात्रा, टेस्ट रिपोर्ट में वो आती है जो पानी में घुले होते हैं, घुलने की क्षमता है। मतलब नाइट्रोजन दूसरी अवस्था में भी रह सकता है, दूसरे मिनरल्स के रूप में भी रह सकता है जो पानी में ना घुले, तो वो सॉइल टेस्ट में बोलेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम है। लेकिन वो टेक्निकली बात यह है कि नाइट्रोजन है आपके सॉइल में, लेकिन वो इस रूप में नहीं है कि पानी में घुल सके, और पानी में अगर नहीं घुल पाएगा तो जड़ उसे खींच नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्रकृति इसके लिए क्या करती है और ऐसा क्यों चाहती है प्रकृति कि मिट्टी में नाइट्रोजन रहे बट जड़ उसको खींच नहीं पाए, या मिट्टी में रहे तो जड़ कब खींच पाए, प्रकृति ने ऐसा निर्धारण क्यों किया है? तो आप देखेंगे बिजली कड़कती है और इंस्टेंटेनियसली बिजली जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स कर देती है। आपने ये पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट, दलहन फसल जो होती है उसके जड़ जो है मिट्टी में नाइट्रोजन के, एयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन उसको जो है मिट्टी में फिक्स करती है। अब आप देखोगे पूरे पृथ्वी में 78% नाइट्रोजन है और यूरिया नाइट्रोजन से ही बनता है और यूरिया हम खेत में डाल रहे हैं, तो दिक्कत यह है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है वो जड़ कैसे पहुंचे, वो मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी, तभी आपका यूरिया जो है वो कम यूज होगा। तो प्रकृति ने तो बिजली कड़का दी और जमीन में फिक्स कर दिया नाइट्रोजन को, और फिक्स कर दिया लेकिन सॉल्युबल नहीं बनाया, और इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होगी और सॉइल इरोजन हो या पानी मिट्टी में बहुत बह के ले जाए तो कहीं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट ही पूरे एरिया को ना बना दे। ठीक है, तो प्रकृति ने लॉक्ड नाइट्रोजन बनाया है। और उसके बाद जो लिचेंस है, जो आप पढ़ेंगे कि मृदा का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा कि वेदरिंग ऑफ रॉक से होती है, तो लिचेंस जो है, लाइकेंस भी प्रोनाउंस करते हैं, तो वो आप देखेंगे कि पत्थरों के ऊपर भी हरे रंग के काई के रूप में रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यही माइक्रोब्स जो है उस मिनरल्स को वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, और फिर उसी पत्थरों पर आप देखेंगे कि पौधे उग गए हैं, चट्टानों के ऊपर आप देखेंगे कि पेड़ उगे हुए हैं। तो प्रकृति ने क्या किया कि सारे न्यूट्रिएंट्स फिक्स किए मिट्टी में, चाहे वो नदियों के रास्ते से पत्थरों को लाए, तो अलग अलग तरह के पत्थर, अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसको लाइकेंस ने या माइक्रोब्स ने, बोलने का क्या मतलब है कि जीवाणु ही रिस्पॉन्सिबल है आपके खेत में फर्टिलिटी को लाने के लिए।